वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी गंगन। एंड आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है, ये एक क्रिसमस हॉल होने वाला है। सो होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड कल मेरे सेकंड चैनल पे एक न्यू वीडियो आने वाला है, तो अगर आपने मेरे अभी सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप लोग प्लीज मेरे सेकंड चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सो गाइस, जो सबसे फर्स्ट थिंग है और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो होता है क्रिसमस ट्री। और मैं फर्स्ट टाइम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो मैंने 3 फीट टॉल क्रिसमस ट्री ऑर्डर किया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आप लोगों से कम्युनिटी सेक्शन में पूछा था कि कौन सा क्रिसमस ट्री सबसे ज्यादा बेस्ट है, तो आप में से किसी एक ने सजेस्ट किया था ये वाला क्रिसमस ट्री, और मुझे काफी अच्छा लगा ये वाला क्रिसमस ट्री। और ये 3 फीट टॉल है, इसकी प्राइस है 259 रुपीज और काफी ज्यादा रिजनेबल है। शिपिंग चार्जेस भी नहीं लगे, 259 में सब कुछ हो गया, शिपिंग चार्जेस भी नहीं लगे, जो सबसे ज्यादा अच्छी बात है इसकी। तो अगर आप लोगों को भी इसे बाय करना है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। तो ये मैंने अमेजोन से बाय किया था एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपको बाय करना हो तो आप लोग बाय कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट थिंग है वो है क्लॉथ्स। तो सबसे फर्स्ट क्लॉथ्स में मैं लेके आई ये वाला टॉप, जो कि काफी ज्यादा सुंदर लगा मुझे ये। और ये पीच कलर का टॉप है जो कि काफी ज्यादा सुंदर है एंड मैं इसे किसी भी डेनिम जैकेट के साथ पहन लूंगी, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है तो इसके लिए मुझे काफी सुंदर टॉप लगा ये। एंड ये मैंने बाय किया था योर फैशन करके, योर्स फैशन 10 करके एक इंस्टाग्राम पेज है, तो काफी अमेजिंग इंस्टाग्राम पेज है। और इनका इंस्टाग्राम पेज पे अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, कोई भी क्लोथ अच्छा लगे, तो आप लोग इन्हें बस डीएम कर सकते हैं, या उनका वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है इनके बायो में, तो आप उनसे भी वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे उनके फोन नंबर और जो उनका इंस्टाग्राम पेज का लिंक है वो आपको मिल जाएगा। तो आप लोगों को एक बार डेफिनेटली उनके पेज को जाके चेकआउट करना चाहिए, काफी अमेजिंग अमेजिंग कपड़े रहते हैं उनके इंस्टाग्राम पेज पे, तो आपको एक बार डेफिनेटली उनके इंस्टाग्राम पेज को चेकआउट करना चाहिए। सो मुझे तो ये टॉप बहुत ज्यादा सुंदर लगा। देन जो नेक्स्ट थिंग है वो भी मैंने योर्स फैशन 10 से ही मंगाई थी, तो ये है एक इनर टाइप का चीज, तो अगर आपको कभी भी इसे पहनना हो तो काफी कंफर्टेबल है ये। और मैंने इसे एक दो बार ट्राई भी किया है, तो इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगता है ये, और इसमें आपको बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगेगी। तो अगर आपको इसे बाय करना है तो आपको डेफिनेटली इन्हें बाय कर लेना चाहिए योर्स फैशन 10 पे, एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार आप इसे डेफिनेटली चेकअप कर सकते हैं। देन जो नेक्स्ट थिंग है वो है क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए ऑर्नामेंट्स। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सबसे फर्स्ट मैं क्या लेके आई। सबसे फर्स्ट में लेके आई ये वाले, तो ये बेसिकली क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने के लिए बॉल्स हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। टोटल 6 बॉल्स हैं और मुझे पूरे पड़े 40 रुपीज के। सबसे फर्स्ट है ये ब्लू कलर वाला बॉल, देन है ये रेड कलर वाला बॉल जो कि काफी सुंदर लगे मुझे सारे कलर्स, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये। देन है ये ऑरेंज कलर वाला बॉल, एंड देन पिंक कलर वाला बॉल, और फिर लास्ट में है ग्रीन और व्हाइट कलर वाले बॉल्स, तो काफी सुंदर है। और अगर हम सिंगल लेते तो ये पूरा 10 का एक पड़ा, बट मैंने पैक लिया इसके लिए मुझे एक मतलब ऑलमोस्ट 6 रुपीज का पड़ा। देन जो नेक्स्ट थिंग है वो है ये गिफ्ट जैसे चीजें, और ये काफी सुंदर लगा मुझे ये। और हम इसे क्रिसमस ट्री पे भी हैंग कर सकते हैं या फिर हम इसे नीचे भी रख सकते हैं अपने क्रिसमस ट्री के। तो मैं इसे 3 लेके आई। सबसे फर्स्ट है ये ग्रीन वाला, देन है ये ऑरेंज वाला, और ये पिंक वाला। तो मुझे हर एक पड़ा 10 रुपीज का, बट आई थिंक ये थोड़े ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये ज्यादा कम हो सकते थे, बट या काफी अच्छे लगे मुझे ये। देन जो नेक्स्ट थिंग है वो है ये क्रिसमस ट्री पे लगाने के लिए चॉकलेट्स, तो ये भी काफी ज्यादा सुंदर लगे मुझे। और ये सबसे फर्स्ट ये सिल्वर कलर वाले है 2, और एक है पिंक कलर वाला, तो आप इन्हें अपने क्रिसमस ट्री पे ऐसे लगा सकते हैं। एंड अगर आपको देखना है कि मैं किस तरह से अपना क्रिसमस ट्री डेकोरेट करती हूँ, तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देन जो लास्ट थिंग है वो है ये क्रिसमस ट्री के लिए बेल, तो मैं आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसी है। और ये बेल मुझे मिली 30 रुपीज की, सो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसी बेल है। ये काफी सुंदर बेल लगी, और ये मेरी क्रिसमस लिखा हुआ है, बट ये निकल गया है, पता नहीं, मैंने तो जस्ट ही ओपन करके देखा, तो मैं यहाँ पे ग्लू से स्टिक कर दूंगी। एंड ये 30 रुपीज का था, बट आई थिंक ये और कम हो सकता था।
और बस ये सब कुछ लेके आई। बट अभी काफी सारे स्टोर्स में कुछ ज्यादा क्रिसमस के आइटम्स आए नहीं, तो अब मैं बाद में लाऊंगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो यानी हाउ आई डेकोरेट माई क्रिसमस ट्री में आपको और दिखा दूंगी कि और क्या क्या मैं ऑर्नामेंट्स लेके आई। एंड दैट्स ऑल फॉर माई टूडेज वीडियो। होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो। एंड गाइज, आपको एक बार डेफिनेटली योर फैशन 10 को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना चाहिए। एंड अगर आपको कोई भी क्लॉथ को बाय करना हो तो आपको एक बार इनका इंस्टाग्राम पेज को बस एक बार चेकआउट करना चाहिए। एंड बाय गाइज, लव यू ऑल।